एक छोटी सी गलती जिसने 16 लोगों की जान ले ली और मौत के एक ऐसे खौफनाक खेल को अंजाम दिया जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाने वाली है। दोस्तों, एक ह्यूमन एरर आखिर कितनी महंगी पड़ सकती है? कुछ लाख, करोड़ या फिर कुछ रुपयों की, पर एक जान की कीमत पैसों में नहीं तोली जा सकती। और यहां तो एक नहीं बल्कि 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हमारी कहानी शुरू होती है 27 अगस्त 1967 को। अमेरिका के ओहायो में स्थित ऑटनर एयरपोर्ट पर 30 स्काई डाइवर्स आए हुए थे, जो वहां मौजूद B-25 मिशेल बॉम्बर में बैठकर स्काई डाइविंग करने वाले थे। अब मैं आपको बता दूं कि B-25 मिशेल बॉम्बर वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अमेरिकन एयरफोर्स का इम्पोर्टेंट हिस्सा हुआ करता था और इसने अलायड फोर्सेस को ये युद्ध जीतने में काफी मदद की थी। ये वाला B-25 बॉम्बर एक प्राइवेट ओनर के द्वारा खरीद लिया गया था और इस पूरे इवेंट को जस्ट बॉम्बर का शो ऑफ करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। अब देखो, ये इवेंट ना किसी स्काई डाइविंग कम्युनिटी द्वारा स्पॉन्सर्ड भी नहीं था एंड ऑब्वियसली हमारे B-25 बॉम्बर को इतने सारे स्काई डाइवर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए मॉडिफाई भी नहीं किया गया था। अब पहले तो सभी 300 स्काई डाइवर्स को बॉम्बर के अंदर भर लिया जाता है, पर पायलट को समझ में आ जाता है कि बॉम्बर की कैपेसिटी 30 स्काई डाइवर्स की तो है ही नहीं। ऐसे में 10 स्काई डाइवर्स को पहले ही उतार लिया जाता है और अब बॉम्बर के अंदर सिर्फ 20 स्काई डाइवर्स थे जो अपनी फील्ड में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड थे। अब देखो, इनमें से 17 स्काई डाइवर्स USPA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट एसोसिएशन के मेंबर्स थे और उस दिन से पहले ना 75 जंप्स मार चुके थे। वही 7 तो ऐसे भी थे जिनके नाम 200 से भी ज्यादा जंप्स मारने का रिकॉर्ड था। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि स्काई डाइविंग करने के पहले ही इन सभी 200 स्काई डाइवर्स से लायबिलिटी वेबर साइन कराया गया था। अब ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों से साइन करा के उनसे एक्नॉलेजमेंट ले ली जाती है कि इवेंट के दौरान अगर उन्हें कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी इवेंट को कराने वाले इंसान या फिर बिजनेस की नहीं होगी। अब देखो, प्लान ये था कि B-25 बॉम्बर में बैठे 200 स्काई डाइवर्स में से 18 लोग 20,000 फीट की हाइट से जंप करेंगे और बाकी के 2 लोग 30,000 फीट की हाइट से जंप करेंगे। B-25 बॉम्बर के पीछे सेस्ना 180 स्काई वेगन नाम के एक प्लेन भी उड़ने वाला था जिसका काम जंप की फोटोग्राफ लेना था। अब दोपहर के करीब 3 बजे B-25 मिशेल बॉम्बर 20 स्काई डाइवर्स को लेकर उड़ान भरता है और इसके 1 घंटे बाद 20,000 फीट की हाइट पर पहुंच जाता है। इस हाइट पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, B-25 बॉम्बर में स्काई डाइविंग की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ना तो इंसुलेशन था और ना ही हीटिंग का कोई इंतजाम किया गया था। अब ऐसे में ठंड से बचने के लिए सभी स्काई डाइवर्स अपने जंप सूट्स के ऊपर इंसुलेटेड क्लॉथ्स की एक एक्स्ट्रा लेयर पहन लेते हैं। अब इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि ये हमारी स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। खैर, B-25 बॉम्बर 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था और अब स्काई डाइवर्स जंप करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, पर प्लेन के नीचे बादलों की एक मोटी लेयर मौजूद थी जिस कारण से पायलट को अपनी लोकेशन पता नहीं चल पा रही थी। अब देखो, ये वो दौर था ना जब GPS जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी और ऐसे में जब भी पायलट को लोकेशन के बारे में कंफ्यूजन होती थी तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करता था। अब B-25 बॉम्बर का पायलट भी ठीक ऐसा ही करता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसे ये पता चलता है कि वो अभी ऑटनर एयरपोर्ट से करीब 9 किलोमीटर दूरी पर है। दरअसल ये बॉम्बर ऑटनर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद एक लंबा राउंड लगाकर फिर से वहीं पर जाने वाला था और स्काई डाइवर्स ऑटनर एयरपोर्ट पर ही जंप करने वाले थे। B-25 का पीछा कर रहे सेस्ना एयरक्राफ्ट को भी अपनी लोकेशन का अंदाजा नहीं होता है और इसके ठीक 1 मिनट बाद सेस्ना का पायलट भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट करता है। अब यहां से उसे जवाब मिलता है कि सेस्ना अभी B-25 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब अगर ओटनर एयरपोर्ट से देखे तो ये 9+9=18 किलोमीटर दूर था। इसके कुछ ही मिनट्स बाद B-25 एक बार फिर से ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करता है और अपनी लोकेशन मांगता है। अब इस बार ATC की ओर से जवाब आता है कि B-25 ओटनर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने ही वाला है, इनफैक्ट पहुंच ही गया है। अब ये सुनते ही B-25 का पायलट जंप मारने को उतावले हुए जा रहे 18 स्काई डाइवर्स को हरी झंडी दिखाता है और इस विमान के 4 एग्जिट से पलक झपकते ही ये 18 स्काई डाइवर्स जंप लगा देते हैं। पर मेरे दोस्त, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक दिल दहला देने वाली हादसे की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। अब यहां क्या हुआ था इसे जानने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा।
देखो सभी 18 स्काई डाइवर्स जंप लगाते हैं और बादलों की मोटी लेयर में समा जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये क्लाउड कवर करीब 4000 से 6000 फीट तक फैला हुआ था। स्काई डाइवर्स का प्लान था कि जब वो जमीन से करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचेंगे ना, तब वो अपने अपने पैराशूट्स को खोलेंगे, लेकिन क्लाउड कवर इतना थिक होगा इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। अब जैसे ही स्काई डाइवर्स उस क्लाउड कवर को पार करते हैं, नीचे की ओर उन्हें जो दिखता है वो हैरान कर देने वाला था। वो ओटनर एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि लेक एरी में डाइव करने वाले थे। लेक एरी नॉर्थ अमेरिका के 5 ग्रेट लेक्स में से एक है और ये 25,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया में फैली हुई है। अब इस मंजर को देखकर सभी स्काई डाइवर्स घबरा जाते हैं, क्योंकि वो लेक एरी के बीचों बीच लैंड करने वाले थे जहां शायद उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। अब इस दौरान 18 में से 2 स्काई डाइवर्स थोड़ी समझदारी दिखाते हैं और जंप सूट के ऊपर पहना हुआ इंसुलेटेड क्लोथिंग कवर उतार देते हैं। साथ ही वो समय रहते अपने पास मौजूद हर भारी चीज को फेंक देते हैं। जैसे ये स्काई डाइवर्स लेक एरी में गिरते हैं तो 16 स्काई डाइवर्स जिनके पास अभी भी सारे भारी इक्विपमेंट्स थे और जिन्होंने इंसुलेटेड क्लोथिंग कवर भी पहना हुआ था, वो सरफेस पर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते और पानी में डूब कर उनकी मौत हो जाती है। हालांकि बाकी के 2 स्काई डाइवर्स जिन्होंने समय रहते समझदारी दिखाई थी, उन्हें कोस्ट गार्ड की टीम के द्वारा बचा लिया जाता है। पॉल पॉटर नाम के एक कोस्ट गार्ड जब लेक एरी के ऊपर इतने सारे पैराशूट्स को देखते हैं ना, तो वो तुरंत एक्शन में आते हैं और इसी रैपिड एक्शन के कारण 2 स्काई डाइवर्स को बचाया जा सका। अब बाकी के 16 स्काई डाइवर्स की खोज के लिए 30 बोट्स ह्यूरोन से वर्मिलियन शहर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है, पर कई स्काई डाइवर्स की तो लाश तक नहीं मिलती है और ये स्काई डाइविंग की हिस्ट्री का सबसे खौफनाक डिजास्टर बन जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? आखिर वो कौन सी गलती थी ने 16 स्काई डाइवर्स की जान ले ली? अब इस ट्रेजिक इंसिडेंट के पीछे की कहानी को डिकोड करने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और सबसे पहला पॉइंट यही उठाया जाता है कि शायद स्काई डाइवर्स तेज हवाओं के कारण ड्रिफ्ट करते हुए लेक एरी तक पहुंच गए होंगे। कहने का मतलब ये कि देखो, B-25 के पायलट ने जब ओटनर एयरपोर्ट के ऊपर स्काई डाइवर्स को छोड़ा, वहां से 10 किलोमीटर दूर लेक एरी था और स्काई डाइवर्स ने लैंडिंग लेक एरी के बीच में की थी, जो लगभग 10 किलोमीटर और अंदर का पार्ट था। मतलब कि स्काई डाइवर्स ने 20,000 फीट की ऊंचाई से जमीन पर पानी में आते समय टोटल 20 किलोमीटर की एयर ड्रिफ्ट की थी। वैसे ये सुनने में ही कोई सेंस नहीं बनाता और जी हाँ, ये दावा गलत साबित भी हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने स्काई डाइवर्स की हाइट, उस दिन का टेम्परेचर और विंड की स्पीड को कैलकुलेट किया, तो उन्हें ये पता चला ना कि स्काई डाइवर्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 किलोमीटर से ड्रिफ्ट कर सकते थे। मतलब समझे, जब उन्होंने जंप किया तब वो ऑलरेडी लेक एरी के ही ऊपर थे। बट ये कैसे पॉसिबल है? जब यही बात B-25 मिशेल बॉम्बर के पायलट से पूछी गई, तो पायलट का कहना था कि उस प्लेन की लोकेशन ही गलत बताई गई थी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये बात 100% सच साबित होती है। अब जरा सिचुएशन को ध्यान से समझिए कि यहाँ पर पूरा वाक्या क्या हुआ था। देखो, जब B-25 और सेसना ने पहली बार प्लेन की लोकेशन पूछी थी, तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर किसी और की ड्यूटी थी, पर जब B-25 ने दूसरी बार लोकेशन पूछी, इस दौरान वहाँ शिफ्ट चेंज हो चुकी थी और दूसरा बंदा बैठा हुआ था। अब वो बंदा दोनों प्लेन्स के बीच में कंफ्यूज हो जाता है और B-25 को सेसना की लोकेशन बता देता है। मतलब देखो, उस समय ना B-25 ओटनर एयरपोर्ट को पार करके आगे निकल चुका था और लेक एरी के ऊपर उड़ रहा था, जबकि सेसना वो प्लेन था जो एक्चुअल में उस समय ओटनर एयरपोर्ट के ऊपर उड़ रहा था। अब क्योंकि B-25 के पायलट को तो यही बताया गया था कि वो ओटनर एयरपोर्ट के ऊपर था, तो पायलट सभी 18 स्काई डाइवर्स को जंप करने का इशारा कर देता है और यहीं से उस खतरनाक डिजास्टर की शुरुआत होती है जिसने 16 स्काई डाइवर्स की जान ले ली। हालांकि देखो, यहां पूरी गलती एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिसर की भी नहीं कही जा सकती। स्काई डाइवर्स खुद भी अपनी मौत का उतना ही जिम्मेदार थे जितना कि ये थे। USPA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट एसोसिएशन, जिसके वो मेंबर्स भी थे, उनके रूल्स साफ कहते हैं कि अगर स्काई डाइवर्स को क्लाउड कवर के कारण नीचे की जमीन नजर नहीं आ रही है तो उन्हें जंप लगाना ही नहीं चाहिए। लेकिन उन 18 स्काई डाइवर्स ने क्लाउड कवर के बावजूद ओवर कॉन्फिडेंस में आकर और रूल्स और रेगुलेशंस को ताक पर रखकर जंप लगाया और रिजल्ट आपके सामने है। उस दिन के बाद से आज तक यूनाइटेड स्टेट्स में किसी भी वाटर बॉडी के 5 किलोमीटर के रेडियस में स्काई डाइविंग करने पर रोक लगी हुई है।
अब जिस B-25 बॉम्बर में बैठकर ये स्काई डाइवर्स आसमान में गए थे वो इसके 3 साल बाद साल 1970 में मासाचुसेट्स के ऑरेंज म्युनिसिपल एयरपोर्ट पर क्रैश होकर डिस्ट्रॉय हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 11 सितंबर 1982 को जर्मनी के मैनहीम में एक एयर शो के दौरान भी ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। इस इंसिडेंट में हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण टोटल 38 स्काई डाइवर्स सहित 46 लोगों की जान गई थी। हालांकि ये वाला इंसिडेंट जंप लगाने के पहले ही हो गया था। लेक एरी डिजास्टर स्काई डाइवर्स द्वारा जंप लगाने के बाद हुआ सबसे खौफनाक डिजास्टर था। बाकी आपका यहाँ पर क्या ख्याल है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती किसकी थी, आखिर कौन था सबसे बड़ा जिम्मेदार इस पूरी घटना का, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आपको ये कहानी पसंद आई ना तो आपको ये वाली कहानी भी जरूर पसंद आएगी, जिसमें एक बंदा माइक मरकम नाम का एक टाइम मशीन का इन्वेंशन कर लेता है और उसके चक्कर में उसे पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है, लेकिन फिर वो अचानक कहीं गायब हो जाता है और फिर उसकी बॉडी पास्ट में मिलती है, यानी कि उसने प्रेजेंट से पास्ट में टाइम ट्रेवल कर लिया होता है। उसके बाद क्या होता है और वो अपने इस मशीन को कैसे बनाता है, इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।